यूनिवर्सल ब्रेन वर्सेस ह्यूमन ब्रेन, एक पूरे अस्तित्व का मस्तिष्क मस्तिष्क है और एक है इंसानी मस्तिष्क, इंसानी दिमाग। इंसान का जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, ये न्यूरॉन से बना हुआ है, ये मटेरियल से बना हुआ है, ये पदार्थ से बना हुआ है, ये सीमित है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये हमें विभाजित करता है, ये हमें एहसास दिलाता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, नेचर से अलग हैं। जबकि जो यूनिवर्सल ब्रेन है, जो पूरे अस्तित्व का ब्रेन है, वो एक है, वो कंप्लीट है, और वो पदार्थ का बना हुआ नहीं है। वो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो न्यूरॉन से नहीं आ रही है, वो इंटेलिजेंस कोई कोई भी चीज संभाल ही नहीं सकती, क्योंकि वो इंटेलिजेंस अनंत है। दैट इज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस जो है, इसी इंटेलिजेंस की और इसी ह्यूमन ब्रेन की संपर्क में आने के लिए योगी और सन्यासी प्रयास करते हैं। इसी को लेकर वो अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। हमारा जो मानव मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन, ये बहुत सारी क्रियाएं करता है शांति पाने के लिए, सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ये प्लेजर की बहुत सारी एक्टिविटीज से गुजरता है, ये आनंद खोजता है इन पदार्थों में, लेकिन क्योंकि क्योंकि कुछ ना कुछ इसको मिसिंग लगता है इन पदार्थों में, इस ह्यूमन ब्रेन को, इसीलिए ये आगे की ओर अग्रसर करता है और पूछता है कि क्या कुछ मेरे से भी परे है, क्या कुछ मुझसे भी बियॉन्ड है। और तब ये अपनी कोशिश करना बंद कर देता है। जब ये कोशिश कर रहा था, तो फिर कोशिश करने का मतलब है, एफर्ट का मतलब है कि ये अपने आप को कर्ता मान रहा था, ये अपने आप चीजों को ढूंढ रहा था, इसमें अहंकार था। लेकिन जब इसने कोशिश बंद करना करना बंद कर दिया, तो ये ध्यान में लीन हो गया, ये ध्यान में चला गया। और ध्यान में जाने का मतलब अब ये पदार्थ से ऊपर उठा है और अब ये हो सकता है संपर्क में आए, जब ये अपने आप को पूरी तरह से मिटा दे, अपने मैं को, अपने आई को, अपने मी को, यानी अपने आप को पूरी तरह से नष्ट कर दे, अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, तब शायद जो यूनिवर्सल ब्रेन है वो कनेक्ट कर सके इस ह्यूमन ब्रेन के साथ, तब शायद वो अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति कनेक्टेड हो सके और पूरी तरह से काम कर सके इस ह्यूमन ब्रेन के साथ। तो ये जो यूनिवर्सल ब्रेन है, ये जो यूनिवर्सल ब्रेन है, जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है, जो आप कह सकते हैं कंप्लीट एम्प्टीनेस, अनंत है, ये यही है, यही इंटेलिजेंस है जो जो सब कुछ चला रही है, जो सब कुछ बना रही है, जो सबको आगे बढ़ा रही है, जो कंटिन्यूटी क्रिएट कर रही है। आप कहोगे इंटेलिजेंस, मैं किस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं? क्या आपको लगता नहीं एक इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आपको पता लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो, जिसकी वजह से एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्स सोचने समझने वाला बीइंग क्रिएट हुआ है? कोई ना कोई इंटेलिजेंस है जो इसको क्रिएट कर रही है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि जब आप इंक्वायर कर सकते हो और ऐसी चीज बन सकती है, एक ह्यूमन, एक मानव जैसी चीज बन सकती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि कोई इससे भी ऊपर इंटेलिजेंस है? मैं ये नहीं कह रहा वो फिजिकल इंटेलिजेंस है, हाथ पैरों वाली इंटेलिजेंस है जो हमें चला रही है, मतलब हमें अपने इशारों पर नचा रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब एक एक आगे बढ़ती हुई इंटेलिजेंस है जो जो चांद तारों, ग्रहों को बना रही है,
उन्हें चला रही है, पृथ्वी पर जीवन संभव कर रही है, इवेपोरेशन कर रही है, जो बादल बना रही है, जो इंसानों में बुद्धि पैदा कर रही है, जो पृथ्वी को चक्कर लगवा रही है सूरज के चारों ओर। मैं इस यूनिवर्सल हायर इंटेलिजेंस, हायर माइंड, यूनिवर्सल ब्रेन की बात कर रहा हूं, जो जो एनर्जी फूंक रही है, जो जान फूंक रही है, जो स्पीसीज अन्य प्रजातियों का जन्म कर रही है, उन्हें जन्म दे रही है, उनमें शक्ति डाल रही है। और मानव भी इसी इंटेलिजेंस का हिस्सा है, तभी तो वो इसकी ओर अग्रसर होता है, तभी तो वो इंक्वायरी करता है सत्य को जानने के लिए, तभी तो वो बहुत सारी चीजों में जाता है अपने आप को ढूंढने के लिए। लेकिन वो अपने आप को तभी पहचान पाएगा जब वो उस इंटेलिजेंस से संपर्क साध पाएगा, और माफ करना, वो कभी इस इंटेलिजेंस से संपर्क नहीं साध पाएगा, वो इंटेलिजेंस इससे संपर्क साधती है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ये जरा सी भी भावना आ रही है कि मैं उस परम विराट, उस परमात्मा को आप कह सकते हो, या उस हायर इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल ब्रेन से कांटेक्ट करूं, तो आप उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, वो आपसे कांटेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। इसलिए शायद आपको लग रहा है कि मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आप धीरे धीरे अब सेल्फलेस होते चले जा रहे हैं, हो सकता है आप अब ध्यान में होते चले जा रहे हैं, हो सकता है आपने अपने अपने तर्कों को, कुतर्कों को गिराना शुरू कर दिया है। शायद इसीलिए ही वो इंटेलिजेंस आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। और आओ अपने आप को एक मौका दो चीजों को जानने का, मेरे साथ जुड़ो। सही ध्यान और सही अध्यात्म अगर सीखना है, सही स्पिरिचुअलिटी अगर जाननी है, और डेली हम ध्यान करते हैं, डेली मेडिटेशन करेंगे लाइफ टाइम तक, ज्वाइन करो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम। ध्यान रखना, ये लाइफ टाइम तक आपका चलेगा, जिंदगी भर के लिए। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक वीडियोस दूंगा, उसके बाद फिर डेली एक सत्संग की, मेडिटेशन की, ध्यान की वीडियो जो चलती रहेगी आपके साथ लाइफ टाइम तक। और इसकी मेंबरशिप फीस कितनी है? सिर्फ 1000 रुपीज, 1000 रुपए, और सिर्फ एक ही बार देनी है लाइफ टाइम के लिए। फिर आपको मेडिटेशन की वीडियो मिलती रहेगी। तो आप बहुत तरह की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, जिम की मेंबरशिप, स्विमिंग की मेंबरशिप, और हम बहुत तरह की चीजें करते हैं, एक बार इसे भी ज्वाइन करके देखें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।